चित्तौड़गढ़ बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश कुमावत ने छोटी सादड़ी पुलिस पर पैसे लेने के बाद भी प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। कुमावत ने बताया कि करीब 10 साल पुराने हाईवे जाम करने के मामले में उसे न्यायालय ने स्थायी वारंटी घोषित कर दिया था। इसके बाद छोटी सादड़ी पुलिस ने 20 नवंबर को सुबह 6 बजे निम्बाहेड़ा के पास लक्ष्मी पैलेस होटल पर गई तथा उसको डरा धमका कर पुलिस उससे 20,000 रुपये रिश्वत के तौर पर लेकर चली गई। करीब 2 घंटे बाद वह छोटी सादड़ी किसी काम के लिए जा रहा था। इस दौरान कारुंडा चौराहे पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने उसको रोका और वहां भी पुलिस ने रिश्वत के तौर पर 5,000 रुपये लिए। उसके बाद 20 नवंबर को करीब 2:30 बजे पुलिस निम्बाहेड़ा के पास स्थित होटल लक्ष्मी पैलेस पर अपने जाब्ते के साथ पहुंची तथा उसे वारंटी कहते हुए गिरफ्तार कर थाने ले आई। उधर थानाधिकारी डूंगर सिंह सुंडावत ने बताया कि कुमावत द्वारा पुलिस पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। पुलिस ने नियमानुसार कार्यवाही की है। थाना अधिकारी चुंडावत ने बताया कि पुलिस को दबाव में लेने के लिए रमेश कुमावत अनर्गल और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। तारीख बुधवार सुबह 6 बजे छोटी साड़ी पुलिस मुझे निम्बाहेड़ा होटल लक्ष्मी पैलेस पे लेने आई तो उन्होंने मैंने समझाया मेरे घर में शादी है तो कुछ पैसे दे करके मैंने उनको रवाना कर दिया। उसके बाद छोटी साड़ी में ही मैं किसी काम से 1 घंटे बाद गया तो कारुंडा चौराहे पे वही पुलिस खड़ी हुई थी। फिर उन्होंने वहाँ पैसे मांगे, मैंने कुछ उनको पैसे दे करके वहाँ से पीछा छुड़ाया। उसी तारीख को वापस 2:30 बजे छोटी साड़ी का पुलिस जाब्ता होटल लक्ष्मी पैलेस मुझे लेने आया। लेकर के थाने के अंदर 2 मिनट रोका और न्यायालय छोटी साड़ी के अंदर मुझे पेश किया गया। वहाँ से मेरी बीमार हालत शुगर 300 और बीपी 200 होने के कारण शाम को 8 बजे छोटी साड़ी डॉक्टर ने मुझे छोटी साड़ी पुलिस के साथ इलाज के लिए प्रतापगढ़ हॉस्पिटल रेफर किया गया। लेकिन छोटी साड़ी पुलिस ने मुझे डराया धमकाया और कि आप मर जाओगे नहीं हो जाएगा यूँ कर करके मुझे धमोतर लाए। धमोतर इन्होंने रात को 11 बजे खाना खिलाया। खाना खिला करके वापस मैंने ये मुझे निम्बाहेड़ा ले गए मेरी होटल लक्ष्मी पैलेस पे और बड़ी मोटी रकम इन्होंने मांग करी। जितने मेरे पास पैसे थे मैंने इनको दिए हैं। वापस पुलिस रात भर मेरी होटल रुकी, सुबह 6 बजे मुझे घर ले गई। निम्बाहेड़ा एक धोबी के यहाँ से मेरे कपड़े लेने थे ले गई और पुलिस वापस प्रतापगढ़ ले गई। और प्रतापगढ़ से मैं तो समझता नहीं, मैंने किसी डॉक्टर को नहीं देखा, हॉस्पिटल के अंदर मेरे को नहीं ले गए। लेकिन कोई एडमिशन कार्ड और डिस्चार्ज कार्ड, सुबह इन्होंने 11 बजे डिस्चार्ज कार्ड बनवाया मेरा। रमेश चंद्र कुमावत तो छोटी सादड़ी थाने के सब इंस्पेक्टर रतन लाल व उनकी टीम द्वारा न्यायालय छोटी सादड़ी से जारी स्थायी वारंट के तहत गिरफ्तार किया गया व न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय से जैसे किया गया, आप जो बता रहे हैं कि रमेश चंद्र द्वारा चालानी गार्ड और उन पर ले जाने का जो प्रतापगढ़ ले जाना और दूसरे जो अवैध अनर्गल जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं। वह चालानी गार्ड और उनके पुलिस को दबाव में लेने के लिए वॉइस ऑफ एमपी के लिए छोटी सादड़ी से कैलाश शर्मा की रिपोर्ट।